बस जहाँ तक आप लोग देख रहे हैं ना, ये जंगल का नज़ारा मैं अंदर का दिखाया। अब आप देखिए, ये सब जंगल है और जंगल के जो है एकदम किनारे पे है ये। अंदर देख लेंगे तो काफ़ी घना। हेलो गाइस, स्वागत करता हूँ आप सभी लोग का मेरे चैनल मसूद आलम में। अभी ब्लॉग काफ़ी दिन हो गया था बना के, आज हम लोग ने सोचा कि ब्लॉग बनाया जाए। मैं आ गया हूँ अपने गांव में और ये गांव का आप नज़ारा देख सकते हैं, यहाँ पे कितनी हरियाली है। जो गांव में रहते हैं उन चीज़ों को फील भी कर सकते हैं और चिड़िया की आवाज़ भी आ रही होगी वो भी सुन सकते हैं और फील कर सकते हैं कि हाउ रिलैक्सिंग मोमेंट इज़ इन विलेज। तो यहाँ पे काफ़ी रिलैक्सिंग मोमेंट होता है, पीसफुल मोमेंट होता है, जंगल होते हैं। और यहाँ पे देखिए, मेरे पीछे जंगल है, आप देख रहे होंगे एक नदी जा रही है। मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि मैं कहाँ पे आया हूँ। ये मेरे गांव से काफ़ी नज़दीक है और काफ़ी एक मतलब एक हॉली प्लेस में आता है, लोग इसको काफ़ी सम्मान देते हैं यहाँ पे। और ये जो जगह है तो मैं आपको बता देता हूँ, ये जगह है बूढ़न साह बाबा का के दरगाह का। मेरे पीछे आप देखेंगे भी यहाँ पे जो है ये दरगाह शरीफ है, मज़ार शरीफ है। और ये जो चारों तरफ का नज़ारा आप देख रहे हैं, ये दरगाह के पीछे, ये कह सकते हैं सिंपली, ये देखिए आप, एक जो ये नहर जा रहा है इसके बैंक पे एकदम किनारे पे है। और जो अल्लाह वाले होते हैं ना, उन लोगों का यही ज़्यादातर आप देखेंगे कि वो लोग पीसफुल जगह पे रहते हैं। जब यहाँ पे आके रहे होंगे या यहाँ पे या मज़ार शरीफ बना होगा तो यहाँ आजू बाजू में 2-3 किलोमीटर तक कोई गांव नहीं होगा, लेकिन अभी जो है कुछ कुछ लोग यहाँ पे बसना शुरू हो गए हैं। और ये गाँव के, मेरे गाँव से करीबन 4-5 किलोमीटर है दूर, और ये पूरा जंगल है। और जंगल के साइड में ये जो नहर गया हुआ है इसके पास जो है, इस खूबसूरत नज़ारे के पास में ये दरगाह शरीफ है। यहाँ का पूरा नज़ारा दिखाऊंगा अंदर से बाहर तक का, अब तो बता ही दिया हूँ। और सबसे पहले देखिए, सॉरी बहुत लेट ब्लॉग आ रहा है, आप लोग भी सपोर्ट करिए। अभी ब्लॉग मैं सोच रहा हूँ शुरू कर दूँ, बनाऊँ, और आप लोग सपोर्ट करते रहिए। ज़रा मेरे चैनल को भी शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियोज़ को लाइक करते रहिए। इंशाल्लाह इसमें जो है ब्लॉग बनाते रहेंगे, मिलते रहेंगे। और मैं यहाँ पर, मैं तो अंदर आ चुका हूँ, मैं यहाँ से आपको दिखा रहा था। अब बाहर से जो नज़ारा है और कैसा यहाँ का आंगन है, पीछे का आपने नज़ारा देखे, तो वहाँ से मैं शुरू करता हूँ आप लोगों को दिखाना। यहाँ पे एक मस्जिद भी है और यहाँ के जो लोग हैं यहाँ पे मतलब हिंदू मुस्लिम हर कम्युनिटी के लोग आते हैं, हर कम्युनिटी के लोग जो है यहाँ पे आते हैं, उनकी आस्था जो है यहाँ से जुड़ी हुई है। देखिए कि हम लोग पीछे के रास्ते से जा रहे हैं, तो पीछे के रास्ते से, और ये इधर एक मस्जिद है, मैं वहाँ से आपको दिखाऊंगा मेन जब एंट्रेंस पे आएंगे वहाँ पे। और सामने का भी, यहाँ पे हर साल उर्स लगता है और उस शायद दिसंबर के टाइम में लगता है, तो पब्लिक बहुत आती है। आजू बाजू के गांव के लोग और आजू बाजू के जो डिस्ट्रिक्ट है, ज़िला है, वहाँ से भी लोग आते हैं, काफ़ी दूर दूर से आते हैं। और पूरा यहाँ पर जो है ना मेला का माहौल रहता है, वो चीज़ें रहती है। आप देखिए ये जो मैदान दिख रहा है काफ़ी बड़ा सा, इसमें पूरा मेला लगता है, सजावट होती है, पब्लिक आते हैं, एंजॉय करते हैं, घूमते फिरते भी हैं, बहुत तरह की चीज़ें रहती हैं, दुकानें भी लगी रहती हैं। तो ये सीन है यहाँ पे। अब हम लोग सामने से आ रहे हैं, अभी कुछ एक आध दो दुकानें यहाँ पर परमानेंट रहती हैं, हमेशा एनी टाइम आप आएँगे तो दुकान रहेगी। पीछे जो है तो आपको मेन गेट दिख रहा होगा, अब ये दुकानें रहती हैं, बाद में जब मेला का टाइम आता है तो पूरा इधर भर जाता है। अब देखिए ये एंट्रेंस है और यहाँ से हम लोग इंटर जाएंगे अंदर। और ये अंदर का ये चीज़ मेन गेट से आ गया, यहाँ पे वजू करने के लिए इधर लोग नमाज़ पढ़ते सब बनाया गया है। और ये जो है यहाँ की मस्जिद, आप मीनार देख रहे हैं, ये यहाँ की जो है मस्जिद है। पीसफुल माहौल रहता है यहाँ पे हमेशा, और कई तरह के जो मरीज़ लोग रहते हैं वो भी अंदर रहते हैं दरगाह पे, बहुत जादू टोना वाले लोग। और बाकी लोग आते हैं, फातिहा पढ़ते हैं, दुआ करते हैं और अपनी मुरादें मांगते हैं यहाँ पे। ये चीज़ें, ये बिन बस जहाँ तक आप लोग देख रहे हैं ना, ये जंगल का नज़ारा मैं अंदर का दिखाया। अब आप देखिए, ये सब जंगल है और जंगल के
जो है एकदम किनारे पे है ये, अंदर देख लेंगे तो काफ़ी घना और बड़ा जंगल है ये, और ये सब पेड़ वगैरह हैं। और ये जो मैंने आपको बताया जो नहर गया हुआ है, ये काफ़ी जो है एक जो बड़ी नहर आती है हम लोग उधर पड़ रहा हूँ ना से, उसमें से निकलता है एक, इसको हम लोग झरई बोलते हैं, वहाँ से निकल के और आगे ये बांसी तक जाता है। ये यहाँ के खूबसूरत नज़ारे, और अब देखिए अभी कुछ देर पहले बारिश हुई थी और अभी का मौसम देखिए माशाल्लाह, आसमान ब्लू वाइट ज़बरदस्त। और यहाँ पे तो है ना पीसफुल, यहाँ का मोमेंट जो भी है काफ़ी पीसफुल रहता है, पब्लिक आती है। सो गाइस कैसा लगा आप लोगों का यहाँ का सीन? अभी अभी ये ब्लॉग में बने रहिएगा, आगे जो है इस जंगल को हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे, वो भी आपको बताएंगे, और यहाँ पे रील्स वगैरह और फोटोज़ वगैरह भी शूट करेंगे और रील्स भी बनाएंगे, तो जुड़े रहिए आगे। और चलिए फिर जंगल को थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं अंदर कैसा नज़ारा है और कितना घना है। मेरे पीछे देखिए क्या खूबसूरत नज़ारा है माशाल्लाह। ये देखिए ये जंगल के रास्ते से जो है, अभी हम लोग जंगल है ये, और बीच में ये कच्चा एकदम रास्ता है, आप देख रहे होंगे पीछे में। इन रास्तों से बहुत बचते बचाते आराम आराम से बाइक चला के पहुँच रहे, अपन तो बैठे हुए हैं पीछे और हम लोग जंगल का सैर कर रहे हैं। फिर क्या है, फिर राजुल भारी जो है बाइक चला रहे हैं, रास्ता एकदम कच्चा है इधर का। ये नदी यहाँ से, ये जो नहर गई है ना, ये यहीं यहीं नीचे से इधर से, तो ये नहर है और ये बाजू बाजू में रास्ता है। और जंगल का सैर करते हुए चल के देखते हैं कहाँ पे कुछ है क्या, सब जंगल ही है, बचा के गड्ढा बहुत भारी है यहाँ पे। अरे गड्ढे में बाइक फंस गई रे दादा। ये वाला रूट भी आ गया होता, देखो चौड़ा वाला जो अपन पक्का पकड़ते ना तो इधर आए होते। अब गाइस वर्चुअली एक्सप्लोर करिए, देखिए गांव के जंगल्स कैसे होते हैं। और यहाँ जंगल में जो है अभी सन्नाटा है, कोई नहीं है हम लोगों के अलावा, हम लोग बसते बसाते आ रहे हैं। अभी ये थोड़ा सा एक अच्छा रोड मिला यहाँ पे, कच्चिया रोड जिसको बोलते हैं, और ये जंगल जो है जहाँ पे ख़त्म हो रहा है वो बाजू में पूरा जंगल है, और ये रास्ता और ये जो है जंगल का पुल आ गया है। ये कहाँ उधर चली गई है जरा ही ना, अच्छा वो उधर चली गई है, वो पूरा जंगल पीछे और बादल, ओए क्या कॉम्बिनेशन चल रहा है। गांव के मज़े अलग ही हैं यार, हाथ में दर्द हो जाता है कैमरा ऐसा पकड़े पकड़े, और ये बाइक चलाते हुए मोड़ भी देखो नहीं तो अचानक से गांव में मोड़ आता है, किधर भी निपट जाए। और ये गड्ढा बचा के गड्ढे को गाइस बने रही है, और आगे अभी हम लोग कोई लोकेशन देख के रील शूट करने के लिए रुकेंगे। सो गाइस आज जो है आप लोगों ने देखा कि यहाँ का जो भी जंगल था, सबरन बीर दरगाह, ये सब हमारे गांव के, और गांव के नज़दीक में जो ये चीज़ें हैं वो सब मैंने दिखाया। और ये भी एक अच्छा सा जगह है, और यहाँ देखिए मतलब ये पुलिया है, हम लोग सोचे ब्लॉक का जो है एंड यहीं किया जाए, और यहाँ पे बैठने का बैठक्का है, वहाँ बच्चे लोग नहा रहे हैं उधर, आप देखेंगे तो किधर गए किधर गए किधर गए, ये साइड में और यहाँ पे देखिए बैठने के लिए भी बनाया गया, लोग बैठते आते हैं। हम लोग भी सोचे कि यार यहाँ बैठते हैं और बैठ के आप लोगों से कुछ बात करते हैं और रुखसत हो जाते हैं। और बात यूँ करनी है कि ब्लॉग आते रहेंगे, अगर आपको ब्लॉग अच्छे लग रहे हैं तो इसको जो है शेयर करिए दोस्तों में, लाइक करिए कमेंट करिए, और गाँव के नज़ारे आते रहेंगे ऐसे ही, ब्लॉग एक दो और आएँगे हो सकता है आगे भी।
और यहाँ पे हम लोगों को काफ़ी सुकून लग रहा है, तो सोचे हम लोग कुछ देर बैठा जाए, चिल किया जाए और यहाँ रील बनाया जाए, उसके बाद से आगे मिलेंगे। तो आज इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपको फिर नई वीडियो में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।